हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप, आए हो बच्चे होंगे। आज मैं अपने टेरेस गार्डन की कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, होप कि आपको पसंद आए। तो ये रोज फ्लावर प्लांट, जिसकी कि मैं इस समय बहुत ही अच्छे से केयर कर रही हूँ ताकि इसमें खूब अच्छे से फूल आए। चलिए इसमें रोज फ्लावर प्लांट की एक अमेजिंग चीज दिखाती हूँ आपको। गाइस ये देखिए, एक फूल है और इस फूल के इधर देख रहे हैं आप, फूल खिल चुका है लेकिन बीच में भी कली है। तो ये नेचर का अपना कुछ होता है, उसकी रचना वही जाने। तो बीच में आप देख सकते हैं फूल के अंदर फिर एक कली है, तो ये फिर खिलेगी, तो इसका भी वीडियो बनाऊंगी मैं। एंड गाइस यहाँ पे मैंने खाद बना रखा है, केले के छिलके, प्याज के छिलके और गोबर के कंडे से। ये लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसको मैं पानी में डिजोल्व करके सभी प्लांट में देती हूँ। ये प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस यहाँ पे एक ही गमले में बहुत सारे जो प्लांट लगाए थे उसमें देखिए मैक्सिकन पिटूनिया खिलने लगी है। सभी प्लांट अच्छे से पकड़ लिए हैं, मतलब रूट अच्छे से डेवलप होने लगी है। अभी कुछ दिन में बहुत ही इनका जो थोड़ा घना हो जाएंगे। एंड गाइस ये मेरा चंपा का प्लांट, जिसको कि मैंने कल रिपोर्ट किया है, ये देख सकते हैं आप। इसको हमने एक डिब्बे में लगाया, इसकी रूट प्रूनिंग की है। रूट प्रूनिंग जो एक्स्ट्रा जड़ होती है उसको काट देते हैं, बस बीच में का हिस्सा रखते हैं थोड़ा सा, और बहुत ही आराम से वो चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे। एंड गाइस ये देखिए, मैंने मटके में आम का प्लांट बीज लगाया था, जो कि अब इस तरीके से बड़ा हो रहा है। तो इसको हम खेत में लगवाएंगे, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आम का बीज था। और यहाँ पे मैंने एक पपीते का प्लांट लगाया है गमले में, ये बहुत ही बड़ा गमला है, और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से इसकी दो ही पत्ते बचे हुए हैं, अभी ये सॉक में है। और इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके वही लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने इसको भी दिया है। एंड गाइस मैंने जो बैंगन और टमाटर के बीज डाले हुए थे किचन से ही लेकर, वो देख सकते हैं आप किस तरीके से जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए बहुत सारे निकल गए हैं। तो इधर टमाटर है और ये सारे बैंगन है। गाइस मॉर्निंग में मैं छत पे आती हूँ तो चावल लेकर आती हूँ, ऐसे रख देती हूँ, चिड़िया खाती हैं। और मेरा जो भी नाश्ता होता है उसे मैं लेकर आती हूँ, यहीं पे कुछ टाइम बैठती हूँ, खाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे।